आप लोग बंद कीजिए ना। शिट, गलती गड़बड़, तुम्हें कुछ नहीं आता है। अरे भाभी ले आना इसके लिए दुल्हन, जो इस मुन्ने की पगड़ी बांध रहे हैं नाड़ा भी। कितना शोर मचा रखा है इन लोगों ने, इतने बड़े हो गए लेकिन बचपना गया नहीं इनका। आज त्योहार का दिन है, आज उन्हें पूरा हक है मस्ती करने का। और एक बात बताऊं, इतनी पाबंदी भी अच्छी नहीं। पाबंदी नहीं, अनुशासन की बात कर रहा हूँ। अनुशासन तो आप पर लगना चाहिए। क्या मतलब? आज दिवाली है और आप संगीत सम्मेलन में जा रहे हैं, एक बार गाने बैठेंगे तो लोग उठने नहीं देंगे आपको। पगड़ी ठीक है अमृता? जब भी तुम मुझे पगड़ी बांधती हो तब मेरा हर सुर कसा हुआ सा लगता है। बाकी अगर तुम न होती तो मैं बड़ा ढीला ढाला सा गायक बन जाता। झूठ। आज घर जल्दी आइए। ओहो, वो आपका शागिर्द आने वाला ना इटली से, इसलिए कह रही थी। हप्पी, अगर वो इटालियन में बात करेगा तो हम क्या बात करेंगे उसके साथ? अरे नहीं नहीं, उसे तो दुनिया भर की जुबानें आती हैं, वो हिंदी बड़ी अच्छी तरह से जानता है। अच्छा, वैसे तो आधा हिंदुस्तानी है। अच्छा, उसके लिए कमरा खाली करने के लिए मैंने कहा था नंदिनी से, क्या उसने वो काम किया? मैंने कहा तो था, लेकिन गुस्से में उसका मुंह इतना फूल गया कि वो कहीं बाहर चली गई। इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? ये आप जानो और आपकी बेटी, मैं अभी बुला के लाती हूँ, आप ही समझाइए उसे। नंदिनी, ओ नंदिनी। हे मिट्टी पे खींची लकीरें, रब ने तो ये तस्वीर बनी, आग हवा मिलाया तो फिर ये तस्वीर सजी। हस्ती तेरी विशाल हो, कुदरत का तू कमाल है। मोहिनी तेरी अदा तुझे जब देख ले तो फिर गदा, पर से झर 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 नाचे चमक चमक वो बिजली दीवानी है। बेमिसाल तू कोरी कोरी अनछुई, तुझ में है कुदरत सारी खोई, तुझ में है कुदरत सारी खोई खोई, तुझ में है कुदरत सारी खोई खोई। मिट्टी की है मूरत तेरी, मासूमियत फितरत तेरी, ये सादापन ये भोलापन, तू महकी महकी तू लहकी लहकी तू, चली चली हर गली गली तू, हवा के ढंग संग सनन सनन तेरा अंग अंग जैसे जल तरंग, कोई लहर लहर चली ठहर ठहर पानी का मेल, तेरे तन बदन झर 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 अंगार जैसा, तेरा रोम रोम है दहका दहका अग्नि का खेल, तू अगन अगन। कभी मटक मटक कभी ठुमक ठुमक, चली झूम झूम कभी घूम घूम, धरती को चूम मची धूम धूम, चंचल बड़ी तू नटखट बड़ी तू, महकी बहार रस की फुहार, तेरे तीखे नैन तेरे केश रैन, ये बलखाना ये इतराना। नंदिनी कहाँ थी तुम? गुस्सा उतरा नहीं अभी तक? बड़े बाबा कब से पूछ रहे थे तुम्हारे बारे में? मैं कंदिल लेने गई थी। लेकिन कंदिल लगाएगी कहाँ? कमरा तो खाली करना है। चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं अपना कमरा खाली नहीं करूँगी। हर दिवाली को मैं अपने कमरे को इतने प्यार से सजाती हूँ, और आखिर में कोई अजनबी आकर उसमें रहे, ये मुझे कतई मंजूर नहीं। मगर आप सब मेरे कमरे के पीछे क्यों पड़े हैं? क्योंकि साहबजादी, हवेली का सबसे खूबसूरत कमरा आपको दिया गया है। लेकिन घबराना मत, कमरा खाली करने में हम सब आपकी मदद करेंगे। क्यों करेंगे ना? और आपके कमरे में है ही क्या? हाँ। आपकी पसंद के एक दर्जन पीले फूल, और फिर वो आप ही की पसंद का एक दियो वाला झूमर। हाँ। और आपकी एक छोटी सी प्यारी सी डायरी। देखो तुम लोग सब मुझे ज्यादा चाहोगे ना, तो मैं ही रंगोली बिखेर दूंगी। बेटा नंदिनी कहाँ थी तुम? तुम्हारा चेहरा देखे बगैर मैं किसी भी महफिल में जाता नहीं, तुम जानती हो ना।
जवाब दो। अच्छा अच्छा, तो तुम स्टैचू हो लेकिन आंखों से तो बोल सकती हो। अच्छा, वो कमरा खाली किया? अभी तक गुस्सा उतरा नहीं है। देखो बेटे, वो आने वाला हमारा मेहमान है और मेहमान भगवान समान होता है। मेरे आने से पहले वो कमरा खाली होना चाहिए, समझ गई? कंदील बड़ा अच्छा लाई हो, चलो मेरा। आने दो सिटली वाले को, ऐसी फिटली कसूंगी कि दो दिन में वापस जाएगा। बाबा मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं हवेली जाऊंगा। अरे नहीं, मैंने माँ को नहीं छोड़ा है और मैं माँ को कभी नहीं छोड़ूंगा। आई एम नॉट लाइक यू, आई एम नॉट लाइक यू ब्लडी सेल्फिश। ओह डोंट टच मी, नाउ डोंट ट्राई एंड बी नाइस एंड स्वीट, ओके? आपको ऊपर बैठने का बहुत शौक है ना, जाओ ऊपर बैठो। गॉड इज माई बेस्ट फ्रेंड, गो सिट अप। ओह नो, मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूंगा। अरे बट आई डोंट नीड योर हेल्प ना, ओके? इधर, लेकिन इधर से किधर? Shit, everything looks the same here. No, 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 no. Thank you very much. मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मैं रेत से पूछ लूंगा कि मुझे किस तरफ जाना है। Very funny. हंस रहे हो, बेटे को परेशान करते हो, मजा आ रहा है। लेकिन एक बात आप मेरी अच्छी तरह से सुन लो कि मैं हवेली जाऊंगा, मैं वहां पर म्यूजिक सीखूंगा, मैं इंडिया में ही रहूंगा और मैं माँ को भी इटली से इंडिया बुलाऊंगा रहने के लिए। आपने मुझे थप्पड़ मारा? You slap me? आप जानते हो पहली बार आपने मुझे थप्पड़ मारा है, लेकिन मैं फिर भी जाऊंगा। Now what is it? अब क्या है? अरे क्यों नहीं जाऊं? कौन है वहां पे? इटली वाले मेरे कमरे तक पहुंचने से पहले तू रास्ता भूल जाए, लुट जाए, भटक जाए, भूखा रहे। जल्दी देख ले। पानी में गिर गया। वेलकम वेलकम वेलकम, तुम्हारो वेलकम छे। वाह, केवी एंट्री मारी छे। इटली थी सीता पानी मा। केम छो? मजा मा छे? सारू छे? हाउ आर यू? केम छो? या या, आई एम ऑलराइट, आई एम ऑलराइट। सारू छे? मिलो, सबसे मिलो। ये मेरा छोटा भाई नीले। हाय नीलेश, हाउ आर यू? सारू छे? ये मेरी बीवी पुष्पा। हाय, नमस्ते। और ये बारून। हे, व्हाट्स अप? शिल्पा, अनुपमा, हरेश। और ये मेरा अमेरिका से रिटर्न भाई तरुण। व्हाट्स अप ब्रदर? और कमलेश। लक्षण तो देखो इसके, आते ही सबको पानी में डुबो दिया। नहीं, कितना खुश मिजाज है। अरे आते ही सबको हंसा दिया इसने। चार दिन की हंसी है ये, जाते हुए सबको रुला के जाएगा ये परदेसी। आए और मैं फाइनल। ये आप लोग ने क्या किया, मेहमान को पानी में गिरा दिया। माफ करना, ऐसी खातिरदारी नहीं करते। आइए आइए। थैंक यू। खाना तैयार है, आइए आपका कमरा दिखा। बहुत मजा का लड़का है, इसके साथ अपनी खूब जमेगी। और चार दिन पुष्पा के हाथ का ढोकला रुंधियू खाएगा ना, तो गुजराती बोलता वापस जाएगा। अरे लेकिन मैं कहती हूँ, उसे यहाँ बुलाने की जरूरत ही क्या थी? घर में इतनी जवान लड़कियाँ हैं, किसी पे प्यार का कांटा डालेगा तो काम ना हुई। कभी तो किसी का अच्छा बोला करो। मिठल सर, ये कौन है? ये हमारी बड़ी मालकिन है, यहाँ पे इन्हीं का हुक्म चलता है, मगर दिल की बड़ी अच्छी है। आइए। वेलकम, बड़े अच्छे दिन पर घर आए हो, आज दिवाली जो है। मेरी दिवाली? हैप्पी दिवाली। ओह, हैप्पी दिवाली। सफर कैसा रहा? तैर के आए हो क्या? नहीं, वो... नहीं, नीचे पानी में गिर गया था। विठल जी, इन्हें इनका कमरा दिखाओ और नाश्ता तैयार करो, मैं अभी मंदिर होके आती हूँ। जी भले। आंटी, मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ? श्योर। यू आर द प्रीटीस्ट वुमन ऑन प्लैनेट अर्थ। आई नो, मेरे पति भी यही कहते हैं। कूल, आई लाइक इट ऑलरेडी। मेरा कमरा किधर है? क्या कहा तुमने? नहीं नहीं दीदी, अब भी दिखा। कौशिक, इटली वाला आ गया। हाय, कैंचू। ओ, आई मीन कैंचू। ओ, सालू चू? ओ, आई थिंक अब सेठ चू। मेरा नाम समीर है, आप मुझे प्यार से सैम बुला सकती हैं। आपका क्या नाम है? नंदिनी। तो प्यार से मैं आपको नंदू बुला सकता हूँ?
नंदू? सिर्फ नंदिनी। ओ आई सी, आपका नाम बड़ा हटके है। डज इट मीन नंदी द बेल? जरूरी नहीं कि हर नाम का कोई मायना हो। और ये भी जरूरी नहीं कि आप हर कैंडल को मुझे देखते हुए जलाएं। पहले आप नजर हटाइए। मैं नजर कैसे हटाऊं? आपकी नजर ने जो मेरी नजर को पकड़ के रखा है। मुझे क्या पड़ी है? हाथ जल जाएगा। देखा, नजर लग गई ना? आप ही की लगी होगी, मेरी नजर वैसी नहीं है। फिर कैसी है आपकी नजर? तेज, आपकी रूह तक झांक सकती है। अच्छा, तो फिर क्या देखा? नींबूड़ा, खट्टा नींबूड़ा। खट्टा नींबू? सो स्वीट। देखो नंदू, नजर हटा लो वरना रस्सी छूट जाएगी। छूटने दो। झूमर गिर जाएगा। गिरने दो। शीशे टूट जाएंगे। टूट जाने दो। और अगर शीशे टूटे तो पलके चपक जाएंगे। देखते हैं किसकी पलके पहले चपकती है। अगर तुम मुझे यूं ही देखती रहीं, तो तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। सुनो, हो गया ना? हेलो। ये शो खुसर फुसर किए जा रही है। अरे अरे सरचली, नाश पीटी कहाँ गई तू? आई दादी। शादी की उम्र हो गई है लेकिन बचपना नहीं गया। चलो चलो दीदी, रुक जाओ ना। अरे अरे अरे, इधर तो आओ, मुझे तो बताओ। अरे यहाँ तो आओ। आपस में ही तुम हा हा ही करती रहोगी। क्या खुसर फुसर कर रही हो? कुछ नहीं दादी, इटली से वो लड़का आया है ना, उसी को देखकर ये लड़कियाँ ही हा हा कर रही थी। अरे मुझे भी तो बताओ कैसा दिखता है वो। बताओ अभी। परदेसी एक आया घर में, मीठी वाणी बोले, छेल छबीला रंग रंगीला, हवा में मस्ती खोले, चांद सा चेहरा भोला भाला, दिल में उतरता अपने, संगमरमर का जिस्म है इसका, नजर में बुनता सबने साथ, थैया 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 थई। चतुर चलाक और तीखा दिखता, जहर मिली है चटनी, कमरा लूटा बिस्तर छीना, हर शे मेरी अपनी, दिल मांगे कभी धड़कन चाहे, करूंगी उसकी छटनी। सुनो सुनो मेरी बात सुनो, तुम समझो मेरी आया, जिस पंछी की बात करो तुम वो आदम का जाया, कचके रहना कच्ची उम्र है, पड़े ना उसका साया, पास ना जाना छू ना जाए, रोग लगेगा भारी, ना खाना ना सोना होगा, दिल की गहन बीमारी, दुख देकर वो उड़ जाएगा, हंसेगी दुनिया सारी, ताक तैया 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 तै। Good fun. Hi girls. आप यहाँ भी? आप लोगों की हंसी की आवाज सुनाई दी तो मैं यहाँ चला आया। ये घर है, बगीचा नहीं कि आप कहीं भी चले आए। Oh, actually I forgot the way to my room. चलिए मैं दिखाती हूँ। Wait. तादीमा, तादीमा मैं समीर, मैं इटली से आया हूँ। केम छो? समीर, ठंडी हवा का एक झोंका। Oh, is that what it means? Cool, huh? इसे बर्फीला तूफान कहिए दादी, सबको जुकाम देकर जाएगा। चलिए। Bye girls. Bye. बिल्कुल भाई निकले जैसे मैंने सोचा था, ना बात करने का ढंग, ना बैठने का ढंग, खुलेआम नारे हो। लड़कियां देखी नहीं कि औरतों के कमरे में घुसाए? इस घर में रहना है तो यहाँ की रीति रिवाज मानने पड़ेंगे, नहीं तो चार दिन में छुट्टी, समझे? तुम इतनी गुस्सा क्यों होती मंदाकिनी? मेरा नाम मंदाकिनी नहीं, नंदिनी है। जब से आए हो नाक में दम कर रखा है, कमरा तो छीना ही है, अब मीठी मीठी बातें करके सबको फुसलाने के चक्कर में। फुसलाना? मैं समझती नहीं क्या? फुसलाना? नंदू टेल मी, कल तो तुम बाबा के चहेते बन बैठोगे। इटली से तुम संगीत सीखने आए हो या मस्ती करने? अपने आप को गायक कहते हो? गायक? शक्ल सूरत से तो मुस्तदी लगते हो तुम। ये लीजिए, आ गया आपका कमरा। बाबू, आप तो नहीं।
हालत बना रखी है कमरे की, सब कुछ उलट पुलट, परेशान कर रखा है लड़के ने। हे भगवान, ये लड़का कब वापस जाएगा? Oh man, it's so hot here in India. तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? ये मेरा कमरा है, idiot. अब ये कमरा मेरा है और मैं इस कमरे में नंग धड़ंग घूम सकता हूँ जैसे कि मैं अभी घूम रहा हूँ। मैं सिर्फ अपनी डायरी लेने आई थी, तुम जल्दी से अपने कमरे में। नंगा हूँ, डायरी। इटली वाले भगवान करे तू मेरे कमरे तक पहुंचने से पहले रेगिस्तान में घूम जाए। बाप, तुझे पीने तक का पानी नहीं है। मेरी डायरी पड़ी तो मरम्मत करे। सभी स्टॉप इट, बदतमीज, किसकी डायरी पढ़ते हो और क्या हालत बना रखी है मेरे कमरे की? आपको ऐसा नहीं लगता कि ये कमरा पहले से ज्यादा जीता जागता लगता है मिस परफेक्ट? नंदिन बेन, मेहमान जी को दरबार साहब ने बुलाया है। दरबार साहब ने बुलाया? जाइए जाइए, जल्दी जाइए ना। भाभी वो चटनी देना। हाय हाय, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तुम खाने आए हो या नहाने आए हो? जल्दी से कपड़े पहन कर आओ। तौलिये के साथ गया, बराबर की पिटाई होगी। दो समीर, अच्छा वहाँ पे तेरा टॉवल नहीं खुला। अरे मैं तो टॉवल पहन के चल गया था। अरे आपको रुकने के लिए आपके पीछे पीछे आ रहे थे, आपने सुना ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, बाबा को खुश करने के लिए एक स्पेशल प्रणाम जरूर करना। स्पेशल दिखा दो बहन, दिखा दो। अरे अरे, हाँ समझ गया, लेकिन मजाक तो नहीं कर रही ना? अरे मजाक कैसे करेगी, मेहमान के साथ मजाक करेगी तो भांगी नाखू तोड़ी नाखू भुक्को करी नाखू। चलिए 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 चलिए। हेलो रिस्पेक्टेड सर, ग्रीटिंग्स। सॉरी, लॉस्ट माय बैलेंस। क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो तुम? प्रणाम सर। प्रणाम इस तरह, ये तुम्हें किसने सिखाया? सॉरी सर। जाओ वहां जाकर बैठो उस कुर्सी पर। रुको अमृता, रुको, इसे जरा गाना गाने दो। कुछ खाने तो दीजिए इसे, भूखा होगा बेचारा। नहीं, फैसला अभी होगा, इसी वक्त। इतने सारे खत लिखता रहा, इटली से आया है संगीत सीखने, मुझे जरा इसे सुनना है और देखना है कि ये कुछ सीखने के काबिल है भी या नहीं। गाओ गाओ। बहुत खूब बेटे, बहुत खूब।
सुरों के पक्के तो तुम हो ही, लेकिन उसी के साथ साथ तुम्हारी रूह भी नेक लगती है। तुम्हें सिखाते सिखाते शायद मैं भी तुमसे कुछ सीख सकूंगा। अभी सिखाऊं सर? सी अभी नहीं, चलो नाश्ता करें। Can I have two of those balls, please? Hey, balls नहीं, कचोरी। अरे पुष्पा मने पण आपने। मेरा संगीत ही मेरे लिए सब कुछ है बेटे। संगीत भगवान जैसा महान है, इसे संभालने के लिए आत्मा के पवित्र होने की बहुत जरूरत होती है। कहते हैं कि झूठा गले से गाता है, भूखा पेट से गाता है, लेकिन सच्चा दिल से गाता है। तुम दिल से गाते हो, इसलिए मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूं। थैंक यू सर। सर आपकी फीस? मेरा ज्ञान और मेरा संगीत बिकाऊ नहीं है बेटे। गुरुदक्षिणा तो जरूर होती है, जो वक्त पर मैं जरूर मांग लूंगा, या हो सकता है शायद मैं तुमसे कुछ भी न मांगू। थैंक यू सर। आज मेरे बाबा बहुत खुश होंगे। सॉरी सर। और मुझसे नहीं खाया जाएगा। अरे प्लीज, आई एम सॉरी। ओए वाह, क्या बात है समीर भाई।
जब तक ऐसी तीन चार डकैत ना आए ना, तब तक आपने कुछ खाया ही नहीं, समझो। अरे आप तो इतने जवान हैं, 10-12 पूरी से क्या होगा, 20-25 पूरी और खाइए। अरे मेरे हाथ का पात्र तो खाना पड़ेगा, नहीं तो भांगी रखू, तोड़ी रखू, फूको करी रखू। स्पेशलिटी ढोकला तो खाया ही नहीं, ढोकला तो खाना ही पड़ेगा। अरे कचौरी, कचौरी खाने के बाद मीठा। अरे अन्नू ने गुलाब जामुन बनाया। Oh shit! I'm really sorry. I'm really embarrassed. You see, I'm from Italy, na. So all this dal dhokla unundiu, I just cannot digest it. You know what I mean, na? ये राज हम दोनों के बीच में रहेगा ना? Please, please. दादी ठीक कहती थी. समीर, हवा का झोंका. क्यों मेरे पीछे पड़े हो? अरे थोड़ा सा तो टाइमिंग का ध्यान रखा करो. इसके सामने भांडा फोड़ दिया. Excuse me. Oh my. सोच रही हो? हाँ, नहीं, झूठ। मैं जानता हूं कि तुम मेरे बारे में ही सोच रही हो। मैं क्यों आपके बारे में सोचूं? फिर किसके बारे में सोच रही हो? हाँ, मैं अपने बारे में सोच रही थी। एक ही तो बात है। हाँ, ज्यादा गलत फहमिया मत पालो, मुंह के बल की रोकी। तो फिर ये बताओ कि इतनी रात गए तुम इस छत पे क्या कर रही हो? मैं तो अक्सर यहाँ आती हूँ। रात को जब बाबा रियाज करते हैं तो मैं और तारे साथ साथ सुनते हैं। दादी कहती है ये तारे अपनी चाल बदल कर हमारी तकदीर बदल देते हैं, मगर मुझे तो ये मेरे अपने लगते हैं। और अगर किसी दिन तुम्हारे अपने तुम्हारे खिलाफ चले गए तो मैं इन तारों को नोच लूंगी, लट पड़ूंगी इनसे। मेरी तकदीर में इनको वही लिख रहा होगा जो मैं सोचती हूँ। आप तकदीर को मानते हैं? तकदीर को मानता हूँ मैं, तकदीर पढ़ भी सकता हूँ। सच? हाँ। तो फिर पढ़ो। ये तो हिंदुस्तानी रिवाज है, हाथ देखकर तकदीर पढ़ना। हम इटली के लोग पैर देखकर तकदीर पढ़ते हैं। अच्छा? तो फिर ये लो। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके पैर हैं बहुत खूबसूरत। पढ़ो। और आपके पैर आपको बहुत जल्द गुदगुदी हो रही ना, मुझे भी इधर बहुत जल्द प्यार की खातिर सात समुंदर पार ले जाने वाले हैं। अच्छा, कहाँ? मद्रास, कलकत्ता, बिहार, लंदन, इटली। यू आर गोइंग टू इटली? जंगली। ओह, आई एम अ डेड मैन। वो देखो, टूटा तारा। आपने भी कुछ मांगा? कुछ नहीं। कुछ नहीं,
माँ कहती है टूटते हुए तारे से कुछ नहीं मांगना चाहिए, अब शुकुन होता है। माँ बहुत याद आती है ना? बहुत दूर जो है। और बाबा? बाबा मेरे बहुत करीब हैं। और गर्लफ्रेंड? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। सुनो, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? करनी होती है आप लोगों को, तो आप लोग पल्लू 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 इधर उधर हाँ हाँ आई तो अच्छा हुआ कि ये बताओ देखो इन क्रेजी, इनको जरा बताओ मर्द औरतों से कैसे सुपीरियर हैं? अरे बहुत ज्यादा सुपीरियर हैं। अच्छा आप भी बताओ, ऐसा कौन सा काम है जो आप मर्द कर सकते हम औरतें नहीं? वैसे तो बहुत सारे काम हैं, पर फॉर एग्जांपल एक आप ये कर सकती हैं। यहाँ पर सिर्फ औरतें आ सकती हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हो? संगीत मुझे यहाँ खींच के लाइए। संगीत जी? घर में और भी तो मर्द है, किसी को देखा है यहाँ? विठल, विठल की बात अलग है, उसने हमें पाल पोस के बड़ा किया है, और तूने देख लिया तो मार मार के भरता बड़ा देंगी। चलो चलो। अच्छा, मुझे बताओ तुम लोगों के पास हर त्योहार के लिए गाने हैं? हाँ हाँ, हमारे यहाँ जन्म से लेके मरण तक के गाने होते हैं। झूलों के गीत, चरवाहों के गीत, प्रेम के गीत, शादी के गीत, फसलों के गीत, मजदूरों के गीत, लोक गीत, बंजारों के गीत, भवाई। हवाई? हवाई नहीं, भवाई। भवाई नहीं देखी? देखो लंबो डगलो, लंबो डगलो, मुछो बाकड़ी, सिरे पागड़ी, राती बोल बोल तो तोली तोली, छह छबीलो गुजराती हो, छह छबीलो गुजराती, थैया 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 थै। और वो ताली वाला, ताली वाला करवा। मेहंदी तेवावी, मालवी अनोरंग
भांगड़ा नंदिनी हाँ? मैं तुमसे कुछ बोलूं? हाँ बोलो दीदी फिर कभी दीदी जल्दी आ तुम्हें बुला रहे हैं आ रही हूँ जल्दी आओ ना हाँ, बोलो हाँ माँ दीदी आ रही है आई लव योर वॉइस सिर्फ आवाज एंड आई लव योर आईज और तुम्हारे बाल और तुम्हारी मुस्कान आई तुम्हारा टूटता उतारा बोलने का स्टाइल और नंदिनी आ रही हूँ बोलो ना जल्दी लाना बोलो और तुम्हारे मम्मी तुम्हारे डैडी तुम्हारे कुछ ये लड्डू फूल फर्नीचर नहीं बुढ़ाओ तुम एंड तक नहीं बोला एंड तक नहीं बोला आप क्या सर आपको भी नहीं मालूम बोलो आई लव हर भवाई अरे नो प्रॉब्लम लाबो डागलो मुचवा अगड़ी नाउ आई एम गोइंग टू ईट काकड़ी अरे नंदिनी बारात आ गई है तू तैयार नहीं हुई अभी तक जा जल्दी तैयार हो जा और अनु को भी देख तैयार हुई कि नहीं हाँ। जा जल्दी जा चल उठ उठ जल्दी कर हां मां How do I look? Like an Indian prince? खट्टा नहीं मुड़ा। Excuse me, अभी इस वक्त मैं आपसे बहुत अच्छा लग रहा हूँ। जब मैं तैयार होकर आऊँगी ना, तब देखना कैसे होश उठते हैं तुम्हारे। ऐसे बोली जैसे कि मिस वर्ल्ड है। अनु, अनु तैयार हो गई, बारात आ गई है। बस थोड़ी देर और नंदिनी। मैं आजा मदद करने। नहीं बस थोड़ी देर और। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा अनु मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता 6 महीने मैंने कैसे गुजारे तुम जानते हो भरत ऊपर से हंसती थी और अंदर से खुट खुट के मरती थी और तुम भी मुझे बिना बताए चले गए सिर्फ इसलिए क्या था कि मैं तुम्हारा हाथ मांगने के लायक बन सकूं आई एक मिनट नंदिनी सब छोड़कर चलो भाग चलते भारत पीछे खड़ी और कहती हो भाग चलो मेरे माँ बाबा तो शर्म से मर जाएंगे भारत बहुत देर हो गई जाओ अनु क्या हुआ कुछ कुछ नहीं वो जल्दी में वास गिर गया तू ठीक तो है ना हाँ मैं ठीक हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ हम एक दिन जरूर मिलेंगे अनु जरूर मिलेंगे अनु आई नंदिनी शुक्र है आपने दरवाजा तो खोला इतनी देर क्या कर रही थी कैसी लग रही हूँ थोड़ा वक्त तो लगेगा ना पहली बार जो दुल्हन बनी हूँ डर लग रहा है थोड़ा थोड़ा अनु आज मैं तेरे लिए इतनी खुश हूँ मैं अच्छा तू तैयार हो जा मैं दादी से मिल के आती हूँ ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न सारिष्कने स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति 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 मेरा नाम है तरुण और आप बहुत खूबसूरत हैं और मैं तो कहता हूँ डांस करते हैं टुक तुम्हें देखती है जो बात
कहना चाहे जुबा तुमसे ये वो कहती है आँखों की शर्म सूरज की नजरों से तुमको बचा लो पलकों की चिलमन में आओ मैं तुमको छुपा लो ख्यालों की ये शोखियां माफ हो हरदम तुम्हें सोचती है जब होश में होता है जहां मदहोश ये करती है समीर दरवाजा खोलो कितनी बार माफी मांगू मैं शाम हो चुकी है प्लीज गुस्सा छोड़ दो वाह इतने सारे लोगों के सामने ही तुम कोई देख लेता तो क्या सोचता समीर जश्न शुरू होने वाला है मजा मत खराब करो ठीक है बोलो अपनी दिल की बात मैं सुनूंगी क्या कहना चाहते थे तुम मैं अब यही कहना चाहता हूँ कि तुम मेरे प्यार के काबिल नहीं हो अच्छा बैठे रहो फिर शादी में बहुत सारे लोग आए हुए हैं कोई तो होगा जो मुझे प्यार के काबिल समझेगा और आज अगर उसने मेरा हाथ बाबा से मांग लिया ना तो फिर तुम देखते रहना खट्टे निम्बुड़े
राज भैया, ये तो वही बात हो गई कि मुद्दे सुस्त और गवाह चुस्त। मैं आपको नंदिनी से मिलवाने वाली थी, देखा तो आप गायब हो गए। मैंने सोचा कि मैं शायद इतनी खूबसूरत लड़की के सामने तो मेरी जुबान भी नहीं खुल पाती। बुद्धू कहीं के, अरे कुछ बातें जुबान से नहीं आंखों से भी कही जाती हैं। यू नो व्हाट आई थिंक शी इज परफेक्ट फॉर यू। चलो उसे मिलना होगा आपको। चलो 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 ना। अरे संयुक्ता सुनो तो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अगर उसने मुझे पसंद नहीं किया तो? बिल्कुल करेगी। भले उसका रंग गोरा है, आपका सांवला है, उसकी आंखें नीली हैं, आपकी काली हैं,
उसके गाने महफिल सजा देते हैं और आपके गाने आपके गाने तो बाथरूम में भी शर्माते हैं। लेकिन भैया आपके पास तो एक ऐसी चीज है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। क्या? आपका खूबसूरत दिल, एंड दैट मेक्स यू द बेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। एक और चीज है। वो क्या? माय ब्यूटीफुल सिस्टर। आप बात को टाल रहे हैं। आप बताइए, आपको नंदिनी पसंद है कि नहीं? पसंद है। तो फिर नंदिनी के लिए खाच हुआ? एक और बार छू, फिर से छू। संयुक्ता में कोई भी हाथ छू, नंदिनी मेरी होगी। That's like my brother. शादी मुबारक हो भैया। चल पगली। शादी मुबारक हो। चल। अनु की शादी तो हो गई और नंदिनी भी अब बड़ी हो गई है। कुछ सोचा है उसके बारे में? क्या सोचे? बताती हूँ। एक हाथ छू ये। ये क्या बचपन है? छुइए ना। छू लो। मुझे मालूम था यही आज चुनेंगे। नंदिनी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। नंदिनी के लिए रिश्ता? एडवोकेट विक्रमजीत का बेटा वनराज। लड़का भी अच्छा है, खानदान भी अच्छा है। उनके शहर मेला देखने तो हम जा ही रहे हैं, फिर उनके घर जाकर रिश्ता भी पक्का करके आएंगे। आपका क्या ख्याल? बेटी है तो एक ना एक दिन चाहेगी ना। गाता है? आपको गाने के अलावा कुछ सोचता भी है? हाँ बाबा, गाता है। अच्छा। लेकिन बेसुर। अभी इनसे मिलिए प्लीज। नंदिनी, फैमिली पोर्ट्रेट का सत्यानाश कर दिया। सारे सामने देख रहे हैं, इन्हें लगता है जुकाम हुआ, नाक सुड़क से। अरे विठल काका, तुम्हारी फोटो देखो। अरे मेरे तो खाली बाल दिखते हैं, मैं तो पूरा दब गया हूँ। कमनी बहन, कमनी बहन, क्या है? ये देखो तुम्हारे लिए झूला, पंडित जी। ये देखा? अरे समीर भैया, इटली में लोग पिज्जा क्यों खाते हैं? क्योंकि इटली में दादी माँ के हाथ का बना हुआ दाल ढोकली रोंदियों नहीं मिलता। तू बात छे समीर भाई, तुम बहुत मीठी मीठी बातें बोलते हो। ये तो है ही मेरा मीठा बेटा। क्या हुआ बेटा, खाना अच्छा नहीं लगा? नंदिनी ने पकाया है। नहीं, थोड़ा सा तीखा है। तीखा खाना तीखी लड़कियों के लिए है, मीठे बुद्धों के लिए नहीं। अरे वाह नंदिनी, तू बात छे। समीर, रुक जाओ समीर, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे, जिद नहीं करते। अब पानी दो। क्यों सताती रहती है उसे? देख, चला गया ना वो। क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, समीर ने बहुत सारी मिर्ची खा ली। अरे मुंह जल गया होगा, शहद दे दो बेचारे को। चलो उठो और माफी मांग लो उसे। उठो, चलो। मिर्ची खा तो ली, सुबह मुसीबत हो जाएगी। Thank you.
सजा भी मिल गई, इस हाथ ने गुस्ताखी जो की। बेटी तो होती है पतंग की तरह, शादी के पहले अपने छत पर उड़ती है और शादी के बाद डोर किसी और के हाथ में। जैसे अनु दीदी की हुई, अब नंदिनी की होगी। इतनी जल्दी नहीं माँ। जल्दी नहीं क्यों, छोटे नखरे दिखा रही है? तुझे तो उड़ने का बहुत शौक चढ़ा है आजकल, सीधी तरह क्यों नहीं कहती शादी करा दो? फुई, आपको क्या, जब शादी करवानी हो करवा लूंगी। अरे वाह, अपनी मर्जी से करेगी? मेरी शादी है और मर्जी किसी और की? हाय हाय, तू नक तो ऐसी रही है जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं, तेरी हर उड़ान पे नजर है मेरी। अपनी अपनी किस्मत हुई, किसी की पतंग आसमान को छूती है और किसी की धरती से उठती ही नहीं जैसे आपकी। नंदिनी, बड़ों से इस तरह बात नहीं करते, माफी मांगो, माफी मांगो नंदिनी। नंदिनी माफ करना कामना बेन। कोई बात नहीं भाभी, बच्ची है। ऐसा नहीं कि हमें उसकी शादी की फिक्र नहीं, एक अच्छे घर में उसके रिश्ते की बात हो रही है। अच्छा, अगर कुंडलियां मिल गई तो मेले तक बात भी पक्की हो जाएगी। अरे वाह, बुरा मत मानना। अरे नहीं, वहां माँ कुंडलियां मिलाएगी, यहाँ बेटी की डोर कहीं और उलझी होगी। बीच आसमान में डोर कट जावे तो मजा आवे। जाने दीजिए ना कामना बेन। दे रे भैया उस पतंग को ढील दे, जैसे ही मस्ती में आए। अरे जैसे ही मस्ती में आए उस पतंग को खींच दे, ढील दे रे भैया तेज 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 है मांझा अपना तेज है, तेज 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 है मांझा अपना तेज है। उंगली कट सकती है बापू, हो उंगली कट सकती है बापू, तो पतंग क्या चीज है रे, ढील दे रे भैया ढील दे रे भैया उस पतंग को ढील दे, जैसे ही मस्ती में आए, जैसे ही मस्ती में आए उस पतंग को खींच दे, ढील दे रे भैया।
मेरी प्यारी नंदू तुम यहाँ बैठी हो, आज मैंने तुम्हारे बाबा की पतंग काटी। मालूम कैसे? बाबा की पतंग इधर, मेरी पतंग इधर, मेरी पतंग नीचे से गई और तुम्हारे बाबा की पतंग घसटा दिया और बाबा की पतंग ये ये ये। अरे कितना मजा आता अगर तुम मेरे पीछे खड़े हो कि मेरी फिरकी पकड़ती तो हम दोनों की पतंग हवा में यूं लहराती, कितना मजा आता। नहीं चाहिए कॉम्पिटिशन वाली, तुम पतंग उड़ा मैं तुम्हारी फिरकी पकड़ू। कल मुझे तुम्हारे नाक के नीचे से कोई उड़ा ले जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ताकि रहना खाली आसमान। अरे कैसे कुछ नहीं करूंगा मैं, उसका भांगी नाकू तोड़ी नाकू भुक्को करी नाकू। कितनी ताने कितनी बातें सुन चुकी मैं तुम्हारे खातिर, खबर है तुम्हें? भांगी नाकू तोड़ी नाकू भुक्को करी नाकू, हमेशा बचपना हर बात पर मजाक। घर में सब मेरी शादी की बातें कर रहे हैं, लोग मुझे देखने आएंगे, कहेंगे चल के दिखाओ, बैठ के दिखाओ, गा के दिखाओ, हंस के दिखाओ, और मुझे ये सब करना पड़ेगा। मगर तुम कुछ मत करना, कुछ मत करना, कोने में खड़े खड़े देखते रहना तुम। लोग मुझे पसंद करके ले जाएंगे तब भी नहीं, मैं किसी के हो जाऊंगी तब भी नहीं, ब्याह करके ले जाएंगे तब भी नहीं, मर जाऊंगी तब भी नहीं, तब भी नहीं, तब भी नहीं। Why are you torturing me, Sameer? I can't take this pain. I can't take this pain. I can't. मैं बाबा से बात करूंगा। मुझसे नहीं कह पाए, बाबा से क्या कहोगे तुम? मुझसे भी नहीं कह पाते Sameer. I love you. ये कोई पाप नहीं है। कुछ हो गया तो क्या होगा? बच्चा बच्चा ऐसे थोड़ी होता है। ये सही नहीं है समीर, पापा नहीं मानेंगे। पापा क्यों नहीं मानेंगे? He likes me. He thinks I'm a cool dude. ये पाप तो नहीं है ना? कोई पाप नहीं है। मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे? कहाँ जा रही हो? मुझे जाना होगा। कहाँ गई हुई किताब? कमला भैया आप यहाँ? किताब ढूंढ रही हूँ, आज पढ़ने का बहुत मन कर रहा है। कौन सी? पर तू यहाँ क्या कर रही है? ऊपर पतंग नहीं उड़ा रही हो? अरे बहुत मजा आ रहा है। हाँ मैं यहाँ किताबें ठीक करने आई थी। पहले अपने कपड़े तो ठीक कर ले। आप अपने काम से मतलब रखिए, मेरे मामले में दखलंदाजी की जरूरत नहीं है। ज्यादा पेच मत लड़ा, अब तक तो ढील छोड़ी थी, जिस दिन डोर खींचूंगी ना लुढ़क जाओगी। अरे मिल गई, कैसी है ये किताब? अंग्रेजी है। तो क्या हुआ, अब तो इटली भी पढ़नी पड़ेगी। बधाई हो जजमान, कुंडलियां मिल गई, 36 के 36 गुण मिले हैं। मुबारक हो दरबार, मुबारक। आपको भी बधाई हो वकील साहब। मिल गई कुंडलियां? हाँ भाई कुंडलियां मिल गई। कितने मिले हैं गुण? 36 के 36 गुण मिले हैं। मैंने कहा था ना बधाई हो। मुंह मीठा कराओ सबका। रुकिए तो, अरे पहले जिसकी शादी तय हुई है उसका तो मुंह मीठा करवा ले। देखिए 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 कैसे शर्मा रहे मेरे भैया। रुको रुको रुको, गुरदार सिर्फ 36 गुण मिलने से आप हमारे दामाद नहीं बन सकते। आप एक संगीतकार की बेटी से शादी करने जा रहे हैं तो हम जरा देखना चाहेंगे कि आप सुर में है भी या नहीं। जरा गाना गाकर दिखाइए। अंकल गाना और मैं? ऑफ कोर्स गाना तो होगा ही भाई, ये इम्तिहान देनी पड़ेगी बरखुरदार। सुना दो बेटा सुना दो। हम भी फेरों से पहले नंदिनी से कोर्ट की दलीलें पेश करने के लिए कहेंगे। तो गाना हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए। चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए। बस बस बस, तुमने गाना तो गा लिया, बस सुरों की और ताल की कमी है, लेकिन मेरी बेटी उसे पूरी कर देगी। लेकिन बेटे
तुम्हारी आवाज में एक सच्चाई है जिससे मुझे यकीन है कि तुम मेरी बेटी को हमेशा खुश रखोगे। सारा आसमान रोशनी से जगमगा रहा है दादी, ऐसा लगता है कि हजारों प्रेमी हाथों में रोशनी ले खड़े हैं। रोशनी तो प्रेमियों के अंदर होती है बेटा। आपको कैसे पता दादी? मुझे मुझे प्यार ने बताया। आपने भी कभी प्यार किया था? प्रेम अपने रंग में सबको रंग लेता है, इस रंग से कोई नहीं बचता। दादी क्या आपने लव मैरिज की थी? अरे नहीं, मैरिज पहले लव बाद में। दादी बताइए ना कैसे हुए दोनों? अरे मैं तो 14 बरस की थी जब मेरी शादी हुई। एक दिन मैं छत पर बैठी कंघी कर रही थी, तुम्हारे दादाजी सामने पतंग उड़ा रहे थे, झट से उनका पांव फिसला और वो छत से गिर गए। मैं भागी, देखा तो वो छज्जा पकड़ कर लटके हुए। मैंने हाथ बढ़ाया, जैसे ही मेरा हाथ उनके हाथ में आया मेरे अंदर तो जैसे बिजली सी कौंध गई हो। फिर आंखें मिली, प्यार हो गया। उस दिन उन्होंने पहली बार मुझे चूमा। फिर आप माँ बनी? नथ पगली, चूमने से माँ थोड़ा ही बनते हैं। फिर संसार शुरू हो गया, बच्चे होने लगे, पूरा आंगन खुशियों से भर गया। फिर मेरे बच्चों की शादियां हुई, नाच गाना, बहुत से जश्न। फिर तुम सब आए। फिर तुम सब के लिए लोरियां, हंसना, रूठना और दूसरे ही पल में मान जाना। फिर क्या? कुछ नहीं। फिर क्या होता? किटी बेटी को माची कुन्नी माँ की ना बात ये वक्त हाल पक्का चोल ले बच्ची हमारा बाता। फिर 60 साल बाद उसी छत पर दो प्रेमी मिले और दादी ने उनकी चोरी पकड़ ली। तुम्हारे बाबा ने हमेशा तुम्हारे लिए गायक पति ही चाहा, शायद तुम्हारा भी यही सपना हो। इसलिए नंदिनी मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। माँ मैं भी कई दिनों से सोच रही थी कि आपको एक बात बताऊं। बता दूं? चल तू ही बता दे। मगर आपको वादा करना होगा कि बात सुनकर आप नाराज तो नहीं होंगी ना? नाराज क्यों, ऐसी क्या बात है? माँ दरअसल बात यह है कि भाभी अन्नु बेटी ससुराल से वापस आ गई है, वो बहुत बुरी हालत में है, आप लोग जल्दी नीचे चलिए। एक बात अच्छी तरह से समझ ले अन्नु, वो सब जो भी हो तुझे उस घर वापस जाना होगा। नहीं बाबा, जो कुछ भी हो जाए उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। अन्नु भगत को भूल कर तुझे ससुराल जाना ही होगा। मर जाऊंगी बाबा, लेकिन उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। मंजूर नहीं उस आदमी के बिस्तर पर रात एक जिंदा लाश की तरह गुजारना। बेटी की शादी पिता की मर्जी से ही होती है, शादी के बाद पति ही औरत का सब कुछ होना चाहिए, यही इस खानदान की मर्यादा है। होली के बाद अन्नु वापस जरूर जाएगी। नहीं भाई साहब, इस बेशर्म लड़की को अभी इसी वक्त दफा करो, इसकी शक्ल भी देखता हूं तो जी चाहता है। जवान लड़कियों पर हाथ उठाना यह हमारे खानदान का रिवाज नहीं है। होली तक वहां पर भी मामला ठंडा हो जाएगा, उसके बाद अन्नु ससुराल अवश्य जाएगी। बाबा ये वहां खुश नहीं रह सकेगी, देखिए किस तरह से मारा है इसे। नंदिनी बड़े बड़ों के बीच छोटे बोला नहीं करते। जिंदगी इसकी है, कम से कम आप इससे तो पूछो। नंदिनी यहां से चली जाओ। कैसे रह पाएगी इस पति के साथ जिससे ये प्यार तक नहीं करती? नंदिनी जाओ। समीर ने सब इंतजाम किया है, भरत तुम्हारी राह देख रहा होगा, चलो जल्दी करो। नंदिनी ये सब क्या है? क्या मैं ठीक कर रही हूँ नंदिनी? मेरे जाने के बाद घर वालों की बदनामी
भारत को कुछ हो गया तो का वक्त नहीं है। तुम जो भी कर रही हो सही कर रही हो, ओके? ये तुम्हारी जिंदगी है, इसे जीने का हक सिर्फ तुम्हारा है। सब तैयार है? हाँ तैयार, बिल्कुल तैयार। हाँ। हाय, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना? मुझे लग रहा है दरबार साहब से। मंदिर के पास भरत इंतजार कर रहा है, जल्दी करो। इडियट, इसका नकल भी ले रही है। सॉरी सॉरी सॉरी। होगी ना उसे और भरत को जिंदगी भर के लिए मिलाकर हमने इतना अच्छा काम किया। You know, I think this is all very romantic. हम लोग भी स्प्रिंट करके शादी करना चाहिए। स्प्रिंट? मेरा मतलब है भागकर, और तुम्हारे घर वाले धोती पहनने से पहले ही हम लोग इटली। मगर हम लोग भागकर क्यों शादी करेंगे? तुम्हें जाकर हक से बाबा से मेरा हाथ मांगना होगा। Of course, of course, that's a done thing, of course. और फिर सोचो सबके सामने हम फेरे लेंगे। आप ही जिम्मेदार हैं इसके। ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने कहा था आपसे कि अनु को तुरंत वापस भेज दो, आपने एक ना सुनी। तो मैंने ठीक ही किया था। क्या ठीक किया था? खत। अनु भाग कर चली गई है पराए मर्द के साथ। ये देखिए मंगलसूत्र और ये खत, थूक कर गई है वो। और सबसे ज्यादा छींटे पड़े हैं आपके मुंह पर। आवाज नीची करो। हाँ, बड़े हैं ना आप, बर्दाश्त नहीं होता कोई और बोले तो। क्या हक है आपको आपका फैसला हम पर थोपने का? गलतियां आप करें और नतीजे हम भुगते। इसमें दोष तुम्हारा ही है। अपने बच्चों को इस घर की रिवायत सिखा रह सके, समझा रह सके, और ऊपर से बदतमीजी कर रहा है। ये बदतमीजी नहीं है। मुझ पर क्या बीत रही है ये आप तभी समझेंगे जब नंदिनी किसी और के साथ भाग जाएगी। बस करो, बहुत हो चुका। ठीक ही तो कह रही है, दूसरों को दोष देने से पहले आप अपने घर को संभालिए। और भाई साहब, जिस दिन आपको ये पता चलेगा कि आपके नाक के नीचे आपकी लाडली बेटी क्या क्या गुल खिला रही है, आपका सर शर्म से झुक जाएगा। खामोश। खबरदार, जो नंदिनी के बारे में किसी ने कुछ गलत कहा तो। नंदिनी मेरा विश्वास है, मेरा गुरूर है। वो उतनी पवित्र है जितना मेरा संगीत। अगर उसमें कोई खोट निकली तो ये समझो कि मेरा संगीत हमेशा हमेशा के लिए मर गया। उसके बाद मैं कभी गाऊंगा नहीं। इतना विश्वास है उस पर तो बुलाइए उसे, अभी हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। बुलाइए। नंदिनी, वो घर में होगी तो सुनेगी ना भाई साहब। नंदिनी कहाँ हो तुम? भाई साहब जरा बाहर जाकर तो देखिए कैसे कैसे सुर मिला रही है आपकी सुरीली। चाहिए? पहले फेरे में हम जिंदगी की सारी खुशियां और दुखों को बांटने की कसम खाएंगे। दूसरे फेरे में आप हमेशा मेरी रक्षा करेंगे और अच्छे बुरे वक्त में मुझे प्यार, मान और इज्जत देने की कसम खाएंगे। और चौथे फेरे में मैं आपसे आगे जाने की आज्ञा लूंगी। क्यों? अगर मौत आ जाए तो मैं आपसे पहले ही उसे अपना लूं। जब मौत आएगी तो हम उसे साथ में गले लगाएंगे। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी नंदिनी,
ये क्या किया तुमने? पिछले 8 महीनों से ये तमाशा हमारे पीठ पीछे चल रहा है और किसी को कानून का खबर तक नहीं हुई। तुमने मुझे भी नहीं बताया। नफरत हो गई मुझे। कहते हैं प्यार में लोग दीवाने होते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं कि वो इस तरह की हरकत करेगा। मैं भी वही दीवानगी महसूस कर रही हूँ। पता ही नहीं चला कब प्यार हो गया। पता ही नहीं चला माँ, पता ही नहीं चला मुझे। अपनी मर्जी से प्यार करने की इजाजत नहीं है किसी को इस घर में। अपनी खानदान की कुछ रिवायतें हैं। तुम्हारे बाबा की बहुत इज्जत करते हैं लोग। आज तुम्हारी वजह से उन्हें अपना सर झुकाना पड़ा, सिर्फ तुम्हारी वजह। सर उठा के ये तुमने कैसे सोचा कि वो इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त कर पाएंगे? किसे मालूम था वो छोटी सी मुलाकात इतनी गहरी रिश्ते में बदल जाएगी। समीर कहता है बाबा उससे बहुत प्यार करते हैं, वो जरूर मान जाएंगे। माँ कैसे मान जाएंगे? जरूर मान जाएंगे। उस विदेशी के साथ तुम्हारी शादी, जिसके ना खानदान का पता है ना पिछली जिंदगी का। तुम्हारी शादी वनराज के साथ तय हो चुकी है। कुंडलियां मिला चुके हैं हम लोग, वचन दे चुके हैं। शादी की रस्म समझाते वक्त जब फेरे लिए, तब ऐसा लगा जैसे सारी कायनात हमारे मिलन का जश्न मना रही है। माँ फेरे, शादी की रस्म, किस हद तक पहुंचा है तुम्हारा रिश्ता? क्या तुम वो तो नहीं कर बैठी जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े? बोलो नंदिनी, नंदिनी बोलो, क्या उसे तुम्हें कहीं छुआ है? बताओ नंदिनी। यहां मां, बस करो नंदिनी, मैं नहीं सुन सकती। उसने मेरी आत्मा को छुआ है मां। उसकी आंखें मेरे रगों में बेतहाशा दौड़ रही है और हर वक्त मुझे देखती है। मुझे दो हिस्सों में मत बांटो मां, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगी। मैं सिर्फ उसकी हो सकती हूँ नंदिनी। मैं उसे प्यार नहीं करती हूँ मां, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। नंदिनी मेरी मदद करो मां, होश में आओ नंदिनी, पापा को बड़ा संभालो, संभालो अपने आप को। मेरी बात सुनो नंदिनी, मेरी बात सुनो। मैं पापा को समझाने की कोशिश करूंगी, लेकिन जब तक मैं वापस नहीं आती तुम यहां से हिलोगी नहीं, समझी? आज से मैंने अपना संगीत छोड़ दिया है और इसलिए अब मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। गुरुजी, गलती हमारी है तो आप अपने आप को सजा क्यों दे रहे? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो आपसे नंदिनी का हाथ मांगने गुरुदक्षिणा लेने का वक्त आया है। आज तक जो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है उसकी कसम खाकर यह कहो कि आज के बाद तुम नंदिनी से ना तो मिलोगे और ना ही उसके साथ कोई रिश्ता रखने की कोशिश करोगे। यही मेरी गुरुदक्षिणा है। गुरुजी, क्या जाने से पहले मैं नंदिनी को एक बात देख सकता हूं? नंदिनी, 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 समीर जा रहा है। बाबा नहीं माने, वो मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं। इतनी इजाजत दी है कि तुम उसे जाते वक्त सिर्फ एक नजर देख सको। उठो नंदिनी, उठो। समीर हमेशा के लिए जा रहा है। जाकर देखा उसे, फिर शायद जिंदगी में तुम उसे कभी नहीं देख पाओगी। जाओ नंदिनी, जाओ। समीर!
तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया, तो लुट गए हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया, तो लुट गए हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया, तो लुट गए हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। अजब है इश्क यारा, पल दो पल की खुशियां, गम के खजाने मिलते हैं फिर, मिलती है तन्हाइयां, कभी आंसू कभी आहे, कभी शिकवे कभी नाले, तेरा चेहरा नजर आए, तेरा चेहरा नजर आए मुझे दिन के उजालों में, तेरी यादें तड़पाए, तेरी यादें तड़पाए रातों के अंधेरों में, तेरा चेहरा नजर आए। मचल मचल के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया, तो लुट गए हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। वो लोग आ गए, ले आओ ले आओ उन्हें। नमस्कार नमस्कार, आइए वकील साहब। नमस्कार नमस्कार, कैसा रहा सब भाई? आप लोग तो रिश्ता तय होते ही ईद के चांद हो गए, ना कोई चिट्ठी ना कोई खबर, क्यों दरबार साहब? बैठो बेटे, वो बात नहीं है, हम जरा यहाँ शादी की तैयारियों में उलझे हुए थे। तैयारियों में तो हम लोग भी लगे हुए हैं। नहीं, हमने तो कार्ड भी छपवा लिए, और ये पहला कार्ड और पहला न्योता आपके लिए। बहुत सुंदर कार्ड छपवाए इन लोगों ने, जरा देखिए तो। बहुत ही खूबसूरत है, वेरी गुड, शुक्रिया। शुक्रिया बाद में, पहले दहेज की बात हो जाए। जी जी हाँ, इतने बड़े गायक की बेटी से रिश्ता तय हुआ है, दहेज तो हम जरूर लेंगे, क्यों दरबार साहब? जैसे आप मांगे, जो आप कहें। और दहेज ये होगा कि आप शादी में गाएंगे। उस दिन शायद मैं गा ना सकूंगा, लेकिन मेरा ख्याल है उस दिन वनराज गाना गाएगा, अब तक सीख गया होगा। वनराज भैया तो अब सिर्फ नंदनी के लिए गाएंगे। आंटी, नंदनी नजर नहीं आ रही, भैया की नजरें कब से ढूंढ रही हो उन्हें? उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो ऊपर है कमरे में। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, मंदिर की सीढ़ियों से गिर गई थी, बस जरा सी चोट आई है। मेरी प्यारी नंदू, तुम्हारे बिना जीना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तारों से लड़ झगड़ कर, उन्हें नोच कर, अपनी तकदीर खुद लिखने का वक्त आ गया है। मुझे यकीन है कि मेरा प्यार तुम्हें मेरे पास ले आएगा। I want to marry you। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम्हारा
खट्टा नहीं बुरा। तुम नहीं आई मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन मुझे ये यकीन है कि तुम जरूर आओगी। मेरा दिल तुम्हारे पास है, संभाल के रखना और वापस देने जरूर आना। तुम्हारा समीर हवा का झोंका जो थम गया है। आज हम एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं एक साथ। क्यों ना ये शुरुआत हम सच्चाई के साथ करें, क्योंकि हर रिश्ते की बुनियाद सच्चाई पे कायम होती है। ऐसे मौके पर ये सब मैं शायद गलत बोल गया। दरअसल तुम इतनी खूबसूरत हो कि शब्द नहीं है मेरे पास। तुम सोच रही होगी कि मैं इतनी खूबसूरत चंचल ये कैसा पति मिल गया मुझे, जो इतना रिजर्व सा चुपचाप रहता है, कहीं घमंडी तो नहीं है या फिर इंटेलिजेंट होने का इंप्रेशन जमा रहा हो। जानती हो इतने बड़े वकील का बेटा लेकिन अक्सर केस हार जाता हूं। सच तो यह है नंदिनी, मैं झूठ का साथ दे ही नहीं सकता, कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूं लेकिन झूठ नहीं। सुबह सुबह पूजा के लिए 4 बजे उठना है, मैं सो जाऊं?
हमारी शादी हो चुकी है और पति पत्नी का रिश्ता, अगर पति पत्नी का रिश्ता यही है तो ठीक है। क्या बकवास कर रही हो तुम, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? शादी सिर्फ जिस्म का रिश्ता नहीं, मन का मिलन है, आत्मा का रिश्ता है। जब से हमारी शादी हुई है मैं ये महसूस कर रहा हूं कि तुम वो नंदिनी हो ही नहीं जिसे मैंने पहली बार देखा था। What is the matter with you? क्या ये शादी तुमसे जबरदस्ती करवाई गई या फिर मैं तुम्हें पसंद नहीं या फिर कुछ और? बोलो नंदिनी, बोलो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और इस रिश्ते के बोझ को हम सारी जिंदगी उठाते रहे। बोलो, देखो मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं मुझसे झूठ बर्दाश्त नहीं। नंदिनी सच बता दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। बोलो नंदिनी। खामोशी से कुछ हासिल नहीं होगा। भैया, भैया, भैया दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो दरवाजा। और वो भाभी दरवाजा खोलो। भाभी, भाभी अलार्म बंद करो वरना पड़ोसी जाग जाएंगे। और अगर मेरे भैया तुम्हें फिर से तंग करें ना, तो उन्हें कहना पूजा का समय हो गया है। नहाकर जल्दी से आ जाओ। बस यू गई और यू आई। हाँ, जल्दी आ जाना भाभी। करवा चौथ का व्रत रखने से ही औरत सदा सुहागन रहती है। पति के सुख से बढ़कर है कोई और सुख दुनिया में? सुख तो ठीक है, मगर ये चांद निकलता क्यों नहीं? मुझे बहुत भूख लगी है। भाभी, लगता है आपकी बार चांद लंबा इंतजार करवाएगा। बादलों में छुपकर जो बैठा है, पिछली बार भी ऐसा छुपा था कि निकलने का नाम ही नहीं लेता था। अरे अरे देखो देखो चांद निकल आया है। बादल में शर्मा के मेरी जाना। शर्मा के कहीं चला जाए ना। आजादी आजा चिंता पारी ना। ना चंदा तू नहीं आना वरना सनम चला जाएगा। आ चल में तू छुप जाने दे। अरे नहीं बाबा नहीं, बाबा नहीं नहीं नहीं। जुल्फों में तू खो जाने दे। अरे नहीं बाबा नहीं, अभी नहीं नहीं नहीं। प्यार तो नाम है सब्र का हम दम। वो ही भला बोलो कैसे करें हम। सावन की रात जैसे देखे मोर है। ए रहने भी दो जाने भी दो, अब छोड़ो ना मुंह मोड़ो ना। ये समा ये समा Thank you.
अरे ये तो बहुत कम है केम भाभी जी। ये सब लाने की क्या जरूरत थी? आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। वैसे नंदिनी की बहुत याद आ रही थी इसलिए भागी चली आई। वो जब से इस घर में आई है इस घर की रौनक दुगनी हो गई है। सच बेटी देखो तो कौन आया है। नंदिनी नंदिनी कैसे? बेटी तुम्हारी माँ को शायद लगता है कि हम तुम्हारा ख्याल नहीं रखते। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। नहीं नहीं आप दोनों बातें कीजिए मैं अभी आती हूँ। नंदिनी कैसे हो बेटा? जब से आई हो उस घर में अंधेरा सा छा गया है। बाबा भी कह रहे थे जाकर देखा। क्या देखना चाहते थे वो? मैं जिंदा हूं या मर गई हूं? अब अभी तक वही बातें लेके बैठे हो। चलो मेरे साथ चलो। ये क्या है? ना हार ना श्रृंगार, बाल भी ढंग से नहीं बनाए हैं। ये मत भूलो तुम इस घर की दुल्हन हो। इतना अच्छा पति है, इतने अच्छे लोग हैं, और क्या चाहिए? अपनी बेवकूफी से सब कुछ बर्बाद मत करो। मैं खुद को भी तबाह कर दूंगी। समीर भी अपने आप को बर्बाद। समीर 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 उसका नाम भी तुम्हारी जबान पर नहीं आना चाहिए। तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो? बीते हुए वक्त को यूं हाथों में जकड़ के रखा है तुमने। जाने दो इसे। जिस दिन तुम ये हाथ खोलोगी तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। जिंदगी हर वक्त बदलती रहती है नंदिनी। बदलते हुए वक्त को अपनाओ, वनराज को अपनाओ। नंदिनी वो तुम्हारा पति है। मैं उन्हें अपना पति कभी नहीं मान सकती। तुम्हें मानना होगा। और तुमने मंगलसूत्र क्यों नहीं पहना? तुम्हारे लिए ये सिर्फ काले मोती है ना। जिस दिन तुम्हें इन मोतियों की कदर होगी तब तुम्हें इनकी शक्ति का एहसास होगा। मंगलसूत्र में बहुत ताकत होती है नंदिनी। ये आपके लिए ताकत होगी माँ, पर मेरे लिए तो बोझ है। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? और उसके बाद कौशल्या और मैं इतने हंसे हंसे। अरे मैं तुम्हें क्या क्या खिलखिलाकर हंसी हो रही है? हमें भी तो पता चले आखिर बात क्या है। हमारी माँ बेटे की बातें तो चलती ही रहेंगी। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे बिना कुछ खाए पिए ही? नहीं नहीं हमारे यहाँ तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते, वरना आप जिंदगी भर ताना देती रहेंगी मेरी बेटी को। अच्छा ताना नहीं दूंगी, लड़के की माँ जो हूँ। अच्छा वनराज का कोर्ट केस खत्म होते ही दोनों हनीमून पर चले जाएंगे। उसके बाद नंदिनी को हमारे घर जरूर भेज। जरूर दरबार साहब को मेरा प्रणाम कहना। नंदिनी कौशल्या को भी ले आती तो अच्छा होता। अगली बार जरूर लेके आऊंगी। वनराज भी अभी आता ही होगा। ये आपके नाम समीर की कुछ चिट्ठियां हैं। समीर की चिट्ठियां कब आई? इसमें से कुछ तो शादी के पहले और कुछ शादी के बाद। लेकिन बेटा मैं आपको देने से डरता था कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए। इसका मतलब समीर यही पर था, उसी वक्त देते आप शायद कुछ हो पाता। लेकिन बेटा मुझे मौका ही नहीं मिला, उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। विट्ठल काका प्यार में कभी देर नहीं होती, शायद शायद हम मिल पाते। लेकिन बेटा समीर आपको नहीं मिल सकता था क्योंकि बाबा ने उससे आपसे न मिलने का वचन लिया था। वचन? ना मिलने का वचन उससे लिया था, मुझसे तो नहीं ना। मैं तो उससे मिल सकती थी। नंदिनी बहन मेरी राय मानो तो ये सारी चिट्ठियां चला देना। विट्ठल काका आए भाभी जी। चला देना बेटा। विट्ठल काका चला देना। आए भाभी जी। नंदिनी बेटा मैं मंदिर जा रही हूँ, तुम चलोगी? नहीं आप जाइए। अच्छा मुझे और मेरे खानदान को इस तरह जलील करने का। तुम यहां नहीं रह सकती। चलो चलो। ये क्या कर रहे हो आप? वनराज मेरी बात तो सुनो। प्लीज कहां ले जा रहे हो आप? वनराज
खराब हो गया है तुम्हारा। अपनी पत्नी को इटली ले जाना चाहते हो उसके लवर से मिलवाने, लोग हंसेंगे तुम पर। यहां मैं हूं, तुम्हारी मां है, बहन है, क्या कहेंगे लोग हमें? क्या सोचकर यह फैसला किया तुमने? नंदिनी किसी और से प्यार करती है, वो मेरी नहीं। क्या आप चाहते हैं कि दुनिया को खुश रखने के लिए आपका बेटा सारी जिंदगी दुख में जिए? तुम राजपूत खानदान से हो, मर्द हो, एक औरत को काबू में नहीं रख सकते? कहां गई तुम्हारी मर्दानगी? क्या मर्दानगी औरत को कमजोर मानकर उसकी खुशियों पर जबरदस्ती काबू करने में है? क्या मर्दानगी सच्चाई से मुंह छुपाने का दूसरा नाम है? क्या मर्दानगी उस औरत के साथ रहना है जिसका जिस्म तो आपका हो लेकिन उसका दिल, उसकी आत्मा किसी और की? जवाब दीजिए। डैड, मर्दानगी हकीकत और मुश्किलों का सामना करने में है। सब लफाजी, कोर्ट रूम में रोज सुनता रहता हूं शब्दों की इस जादूगरी को मैं। कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। बर्दाश्त कर पाओगे वो लहमा जब किसी गैर के हाथ में तुम उस लड़की का हाथ दोगे जिससे तुम इतनी मोहब्बत करते हो? प्यार खुद कर्ज नहीं, प्यार अपनी खुशी में नहीं बल्कि जिन्हें तुम प्यार करते हो उनकी खुशी में है। मैं जानता हूं वो लम्हा मेरे लिए बहुत तकलीफदेह होगा लेकिन उसकी एक मुस्कुराहट मेरे सारे गम मिटा देगी। उस वक्त शायद मुझे आपके सहारे और आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी। वनराज, दुनिया मुझे तुमसे बेहतर वकील समझती है लेकिन तुम मुझसे कहीं बड़े इंसान हो। आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन, और मुझे यकीन है कि ये केस तुम जरूर जीतोगे। थैंक यू डैड, गुड लक माय सन। इतने बड़े शहर में एक अजनबी को ढूंढना, वो भी जिसकी तस्वीर तक नहीं देखी, बहुत मुश्किल काम है। डोंट वरी, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। तैयार हो जाओ, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। अब यू नीड हेल्प? आई थिंक किसी म्यूजिक शॉप या किसी म्यूजिक स्कूल से पता चले। मैं मैनेजर से एड्रेसेस लेके आता हूँ, शायद कॉम्बिनेशन भूल गई हो। लाओ मैं खोल देता हूँ। नहीं, मैं खुद कर लेती हूँ।
प्राइम आ गई, चलो। तुम यहां रुको, मैं अंदर पूछ कर आता हूं। एक्सक्यूज मी एगेन, आई एम लुकिंग आउट फॉर समबडी हु इज अ म्यूजिशियन। नेम értek angolul, nem. Do you understand English? Nem értem, én csak magyarul. I'm looking out for a musician, Samir. Aha, Samir, hát musician. Ez jó, jó zene. Vagy no, 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 vagy no, körbe minden. क्या हुआ? Rendben van, folytassátok. Folytassátok. Can I help you? Hi, I'm from India. And I'm looking for an Indian musician. India musician? Itt van most nálunk. Remek, nagyszerű, very good. Rögtön megkeresem. Please wait. Gyere, gyere! Indiából jöttek azért, hogy veled találkozzanak. Gyere már! Gyere, szedd a lábod egy kicsit gyorsabban. Hát ilyen messziről eljöttek utánad, akkor legalább sincs. Nandini? Szedd a lábad, egy-kettő, fogja. Gyere! Jaj, Istenem, gyere már, gyere! Gyere, várnak az indiaiak, gyere már! He's crazy! Hello, your Indian friends! Hey! Figyelj már! इतनी बड़ी शहर में बहुत मुश्किल हो रही है ना, एक अजनबी को ढूंढने में। फिर शायद जाना जरूरी है कि समीर कैसा दिखता है, कैसा लगता है समीर। अब शायद और हंसी आ जाएगी आपको, है ना, क्योंकि ये सब एक मजाक है आपके लिए। मैं भी एक मजाक बन गई हूं। आई एम सॉरी नंदनी, मैं तुम पे यहां समीर पे नहीं हंस रहा था, मैं तो उस म्यूजिशियन पे। So have you decided, sir? Yeah. Could you get me a cheese sandwich and some coffee? And madam? तुमसे कुछ पूछ रहा है। Number 24. Ma isten ilyen választott hölgyem, tele van finom fűszerekkel, spicy. Will you hurry up? Pardon, yes, sir. Frutti di mare for madame. Here is your coffee and sandwich, sir. Buon appetito. Lo, sandwich khalo.
जिद मत करो, सैंडविच खा लो। प्रीतम गए पानी। टेक द ग्लास एंड डोंट क्रिएट अ सीन। सैया जी ओ सैया, बनके जोगनिया, मैं तो जोगनिया, मैं तो जोगनिया, बनके जोगनिया आई तेरे द्वार सैया। How did you like the food? Same comment, please. How do you like Italy? Please do come again. Ye dekho. Samir, who wrote this? The black and white shirt sitting out there. Hey! Sir, Mario, please, please, money, fizetni, igen, nekem számlát, persze, nekem kifizetni. Igen, igen, ott lehet, ott lehet. Please do come again, have a nice day! Emily! Emi! दौड़ रही थी। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। आज सिर्फ आपकी वजह से मैंने समीर को खो दिया है। मेरी वजह से? शुक्र करो कि आज तुम बच गई, वरना ट्राम के नीचे मर ही जाती ना। मर जाती तो मर जाती, आपको क्या जाता? हाँ, कुछ नहीं जाता मेरा। एक बात समझ लो, जब तक मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक नहीं पहुंचा देता, तुम्हारी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। किसने सौंपी थी आपकी जिम्मेदारी? किसने कहा था आपसे कि मुझे यहाँ ले आए? और फिर क्या रिश्ता है हमारा? ना जिसे की कोई पहचान है, ना ही कोई नाम। क्यों भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं आप? क्यों समी से मिलाने का ये झूठा खेल खेल रहे हैं आप? यही जताना चाहते हैं ना आप कि आप कितने महान हैं, भगवान हैं आप? नहीं चाहिए मुझे भगवान। भगवान भगवान बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूं मैं। I am suffering every minute. You know why? क्योंकि तुम तकलीफ में हो, और जिसे तुम खेल समझ रही हो उस खेल में दोनों तरफ से हार मेरी ही है। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं के जानो प्यार क्या होता है। Hotel manager speaking. Yeah.
I've got the address of Samir Rossellini. Yeah, just a sec. Yeah. The main street of Holoko Village, near Santa Maria Church. And what is the most convenient way to get there? By train, sir. Thank you. My pleasure, sir. Kedv kérem. Köszönöm. Jó napot kívánok. Menetjegyeket kérném szépen. A menetjegyeket kérem! Nem érti? A jegyeket kérem! And your ticket, please, sir. Köszönöm. A jegyeket kérem! A fenébe! Ez felháborító! Hát én életemben ilyet nem láttam! Ilyen utazó közönség! Ennyi éve itt vagyok a vonaton! Még part kohó? Kohó? कल जो हुआ उसके लिए आई एम सॉरी इट्स ऑल राइट मैं एक बात कहूं कहिए तुम मैगजीन उल्टा पढ़ रही हो एक और बात कहूं कहिए तुमने ठीक कहा था हमारे रिश्ते का कोई नाम कोई पहचान नहीं है क्यों ना हम अपने रिश्ते को कोई नाम दे दें लेट्स बी फ्रेंड्स मैं एक बात कहूं कहो आप बहुत अच्छे इंसान है वनराज जानता हूं आपकी ये मुस्कुराहट इट्स वेरी स्वीट इसे हमेशा कायम रखना मैंने सोचा शायद मैं मुस्कुराना भूल ही गई थी कभी हंसना हो तो मेरे साथ कोर्ट चलना बहुत कॉमेडी होती है वहां अच्छा कैसे क्रॉस क्वेश्चनिंग के वक्त ऐसे उल्टे सीधे सवाल पूछे जाते हैं एक बार एक वकील ने पूछा कि इस तस्वीर में तुम साफ नजर आ रहे हो लेकिन ये कैसे साबित कर सकते हो कि ये तस्वीर खींचते वक्त तुम वहां मौजूद थे एक बार मैंने भी ऐसा ही स्टूपिड सा सवाल पूछ लिया क्या मैंने पूछा कि ये तो साबित हो गया कि बेसमेंट की ये सीढ़ियां ऊपर से नीचे आती हैं लेकिन ये कैसे साबित करोगे कि यही सीढ़ियां नीचे से ऊपर जाती हैं और फिर केस का क्या हुआ As usual, हार गया एक बात कहूं कहिए कुछ नहीं और उसके बाद माँ पतंग का सीजन आया और पतंग की सीजन में सुनो ना माँ अच्छा पता और पतंग की सीजन में मैंने सबकी पतंगे काट दी वो देखो ए ढील दे तेरे भैया इस पतंग को ढील दे जैसे ही मस्ती में आए तुतुर 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 जैसे ही मस्ती में आए इस पतंग को खींच दे काय पहुंचे उसके बाद उसने मुझे हवाई सिखाई हवाई एक्चुअली इट्स अ फोक इट्स कॉल्ड हवाई बट आई कॉल हवाई ए लंबो डगलो ए लंबो डगलो मूछ वाकड़ी सिरे पागड़ी राखी बीच में समथिंग 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 मैं छेल छबी लो गुजराती हूँ छेल छबी लो गुजराती ता थैया 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 थै और वहाँ का खाना माँ ओह आई एम सो हंग्री वहाँ का खाना इज माइंड ब्लोइंग दाल ढोकली उंधी उफ और एक दिन ऐसा हुआ माँ कि पूरे फैमिली ने मुझे इतना खाना खिलाया कि मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ मैं छत पे गया मैंने लेफ्ट देखा राइट देखा और मैंने जोर से पाक दिया I couldn't help it. I couldn't help it. I swear I couldn't. और पीछे देखता हूँ तो most embarrassing. पीछे देखता हूँ नंदिनी मेरी पीछे हंस रही है. और मालूम क्या कहती है? कहती है समीर हवा का झोंका. Oh my God. I miss her so much. I miss her so much, ma. फिर क्या उसकी कमीनी आंटी ने सब कुछ बिगाड़ दिया और मैंने उसके बाबा को पहले ही पूछा था क्या के बाबा आपकी फीस क्या होगी उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा मेरा संगीत बिकाऊ नहीं है वक्त आने पर मांग लूंगा पता है उन्होंने मुझसे क्या मांगा क्या बेटा मेरी जिंदगी नंदिनी हाउ कुड ही I don't like that man.
I don't like that man. You know why I don't like that man? क्योंकि जब मैं घर छोड़कर जा रहा था ना, तो नंदिनी आई छत पर मुझे आखिरी बार देखने के लिए, और मैंने उसको वहीं पर स्टैचू कर दिया। वो स्टैचू तो हो गई, लेकिन उसकी आंखों से आंसू न रुक पाए। That's why I don't like that man. Don't like him. My son. Anyway, doesn't matter. Because my Baba is more powerful than her Baba. और मेरे बाबा ये कहते हैं कि नंदिनी जरूर आएगी, नंदिनी मुझे मिलेगी, मुझे मिलेगी ना बाबा। Sorry. Yes, my son, मिलेगी। I'm sorry. Yes. I love you, Mom. It's okay, sir. Okay, okay. I'm not crying anymore. Okay. जाओ फूल रख के आओ। काम करता है। नहीं, नहीं। मेरे बाबा इधर है। बाबा कैच। कैच। Could you tell me where Samir Rosalini lives? Again, Rosalini near Santa Maria Church. There. Aramenian. Thank you. Come. A jányó itt lent volt. Igen. Igen, ő az anyukája. Excuse me. Could you tell me where Samir stays? She is Sami's mother. Nandini? तुम नंदिनी हो ना? देखो, पहचान लिया ना? समीर कहता था कि तुम जरूर आओगी, और तुम आ गई। वो हर वक्त तुम्हारे बारे में बोलता रहता है। पता है बेटी, आज ही बता रहा था, उसका एक बहुत बड़ा शो होने वाला है। दिन रात म्यूजिक बनाने में लगा रहता है। वो तुम्हें बहुत याद करता है बेटी। ओफो, मैं भी बोलती रहती हूँ। आप? I'm a friend. Oh, I see. समीर कहाँ है? अभी अभी शहर गया है बेटी, बस स्टॉप पे मिल जाएगा। जा, जल्दी जा। आप कहाँ ठहरे हो? होटल विला कॉर्डा। ओके ओके। अरे सुनो, जो शहर में डिस्काउंट की बार है ना, वो हर फ्राइडे वहाँ गाना गाता है। ओके बाय। डोंट फॉरगेट डिस्काउंट की बार। आई लव यू जीसस। Please help us. We need to follow the red bus. Please. Okay. Thank you. Come. And can I just... Hey! Watch out!
all you have? Come on, give me your ring. Give me your ring. Did you hear me? Come on, come on. Doesn't come out. सरकता होगा ना बालों में तेरे आज भी फूल कोई सजता होगा ना को थपकियां देती होगी ना चांद की ठंडक ख्वाबों में तुझको लेके तो जाती होगी ना सूरज की किरणें सुबह को तेरी नींदे उड़ाती होगी ना मेरे ख्यालों में सनम खुद से ही बातें करती होगी ना मैं देखता हूँ चुप चुप के तुमको महसूस करती होगी ना झोंका हवा का आज भी सुल्फें उड़ाता होगा ना तदेव लग्नम सुनिनम तदेव तारावरम विद्यावनं दैव बलं तदैव लक्ष्मीपते केन्द्रियुगं स्मरामि शुभमङ्गल सावना हेलो हाउ आर यू नंदिनी टुडे बेटर वेल यू लुक मच बेटर दिस इज बिकॉज यू हैव अ लविंग एंड केयरिंग हस्बैंड टेक केयर By the way, I need to talk to you. Don't worry, it's only formality. Yep. Please. Sir, I'm afraid we'll have to stop all treatments until you pay your previous bills. As you know, Doctor, we've been robbed and we have no money left. But I've informed my people back home and they'll send the money as soon as possible. I understand, sir.
But a rule is a rule. You have to raise the money as soon as possible. Sorry. Yeah. Mit mondok, hogy nyugodj, meddig tűröm még ezt egyáltalán? Engem? Nem látod, hogy hol vagyunk? Engem nem érdekel, hogy te veled mi van. És neki az engem, hogy a gyerekkel. Lekke, dúj már, Muri! Valaki, mi Muri is vagy? Lágyi, nem vagyok jó, nem vagyok jó, nem vagyok jó. Muri, Muri, nem vagy, valaki, nem vagyok jó. Elegem van? Elegem volt! Nekem is! Még ezen a helyen sem csinálja meg. Nem bírom tovább. Valaki, hogy jól vagyok, nem vagyok jó. Gyere, Monika, 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 Monika! क्या हुआ अंकुरों का शादी हो गई बच्चा होने वाला है और किसी दूसरी लड़की के पीछे भाग रहे क्या आप हिंदुस्तानी समझते हैं आप बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं मैं जालन भी बहुत अच्छी बोलता हूं सुना आपने हम वनराज Köszönöm, 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 Mónika, Mónika, Mónika! अगर अपने प्यार पे विश्वास हो तो ये नौबत कभी आए नहीं यहाँ पे कितने लोग आते होंगे क्योंकि वो ऊपर वाले से डरते हैं और कितने आते होंगे क्योंकि उससे प्यार करते हैं मैं यहाँ इसलिए आता हूँ क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और वो मेरे बाबा के दोस्त हैं मैं तो कहता हूँ कि भगवान हर जगह है भगवान बल्कि हम दोनों के बीच में ही मौजूद है अभी भगवान हमारे बीच नहीं हमारे अंदर है अगर वो हमारे अंदर है तो हमें इतना दुख क्यों देता है हम अक्सर दुख में भगवान को याद करते हैं खुशी में भूल जाते हैं पॉइंट भगवान हमें दुख इसलिए देता है ताकि हम प्यार करना सीख सकें और अगर प्यार बिना किसी गरज के किया जाए तो वो हमें भगवान के और करीब पहुंचा देता है तुमने ऐसा प्यार कभी किसी से किया है जी मैंने भी लेकिन इस वक्त वो बहुत तकलीफ में शी हैड एन एक्सीडेंट और मैं उसकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता चलो कम ऑन कम जब इतने सारे लोग प्रे करते हैं ना तो भगवान बहुत बिजी होते हैं किस किस को देखे मेरे बाबा भगवान के बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे बाबा से बात करो बाबा मेरा दोस्त है जो मांगे देना पड़ेगा वैसे तुम करते क्या हो कुछ नहीं यार आज जैसे तुम्हारे लिए दुआ मांग ली वो मेरे लिए बहुत है मेरे लिए यार पर तुम हिंदुस्तान छोड़कर यहाँ किसी की तलाश में मिल गया ना हा? मिल गया ना अच्छा हुआ तुम आ गए यार मैं यहाँ पे बहुत अकेला हो गया था शायद तुम मेरी मदद कर म्यूजिक तुम्हें म्यूजिक पसंद है अरे मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है तुम गाते हो शक्ल से दिखता है आजकल मैं भी नहीं गाता लेकिन मेरा एक फेवरेट गाना है जो दो दोस्त मिलके साथ में गाएंगे ढोली तर ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल के ढम ढम बाजे ढोल ढोली तारो अच्छा अच्छा बहुत अच्छा ढोली तारो बिल्कुल सुर में नहीं है फिर से ढोली तारो ढोल बाजे टेम्प
रिपोर्ट। ढोल बाजे ढोल के ढम ढम बाजे ढोल, ओ ढम 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 बाजे ढोल, ये कम ऑन, ढोली तारो ढोल बाजे, ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल, ये माइंड ब्लोइंग यू आर बाजे ढोल, ढम 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 बाजे ढोल, ओ ढोली तारो ढोल बाजे, ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल के ढम ढम बाजे ढोल, ढम ढम बाजे ढोल, ए हंगामा हंगामा हो गया रे, हंगामा 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 हो गया रे, हंगामा मम्मा मारे, हंगामा हंगामा हो गया है हंगामा, ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे रे, कि ढम ढम बाजे रे, कि ढम ढम बाजे ढोल, तारो ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल, पायल संग बाजे सर पर चूनर ओढ़े निकले की आज राधे लहरा लहरा के गोपियों संग बाजे मृदन धन 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 बाजे चम 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 चमाक झांझर जम जम चमाक घुंगरू गम गम गमाक चमक चम चमाके बाजे रे बाजे रे बाजे रे बाजे रे ढोल बाजे
के ढोले तारो, के ढोले तारो, हे मुझे पसंद है। ये मेरी तरफ से नहीं, उसने दी है। आज चर्च में एक बहुत अच्छा इंसान मिला, हम दोनों ने मिलकर तुम्हारे लिए दुआएं भी मांगी। और देखो, जब मैं यहाँ आया तो डॉक्टर ने कहा तुम घर जा सकती हो। चलो तैयार हो जाओ। ला 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 डोल बाजे, तुम्हारे कपड़े। होटल जाके क्या हुआ? ये गाना कहाँ सुना आपने? वो उसने विस्कॉन्टी बार कल हम वहां जाएंगे। याद है समीर की माँ ने कहा था? लेकिन वहां जाएंगे कैसे? पास पैसे तो है नहीं। जरूर जाएंगे, चाहे बिना टिकट के। सुनो, टीसी आ गया है, हमारे पास टिकट भी नहीं है। याद है उस दिन ट्रेन में टीसी उन दोनों से टिकट भी नहीं मांग पाया था। ट्रेन में क्या वो हमारी तरफ आ रहा है? आ रहा है। केरा मैया जैकेटी शबेला टिकट। May I see your ticket, please? Excuse me. May I see your ticket, please? Madam, sir, your ticket, please. Your ticket, please. Ha, azt hiszik, hogy azért, mert szerelmesek, már nem kell jegyet venni neki. A vonaljegy mindenkire érvényes. Elképesztő, minden becsületes ember megveszi a jegyét, ezek meg külföldiek azt hiszik, hogy nem kell jegy neki. Csókolóznak. Mit képzelnek ezek? Ha, még ilyet nem láttam. 20 éve dolgozom a szakmában, de ebben még nem találkoztam.
Samir the musician. Samir the musician! He's my friend! Asin Baratom! My good friend, dear dad! Will he come tonight? He come! He not come! But wait! My wedding anniversary! Tonight drinking! Dancing! Oh, ideal, ideal. No, thanks. Go, enjoy yourself. No. Samir, शायद आए. थोड़ी देर इंतजार करते हैं. You have something? Yeah. Are you enjoying yourself? My wedding anniversary. I love my wife. You love your wife. You love your wife. Yeah. Come on. Dancing. Get it. Come on. No. Please tell him to dance. नाचती हो, आज बहुत मजा आया वनराज, लेकिन मैं भी बहुत अच्छा नाचता हूँ, नाचता के नहीं लेकिन क्या मैं तुमसे एक बात कहूँ? कुछ नहीं, रो 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 रो, यू नो मैं उससे मिला, बहुत अच्छा है वो, हमेशा खुश रखेगा तुम्हें, शायद मुझसे ज्यादा, शायद नहीं, मुझसे ज्यादा खुश रखेगा वो तुम्हें, लेकिन एक बात कहूं, क्या? कुछ नहीं, यू नो जब तुम चली जाओगी आई विल बी अ हैप्पी मैन, मिलने आऊंगा मैं तुमसे, बहुत खुशी होगी मुझे तुम लोगों से मिलके, ए कम हियर कम हियर कम हियर, वो उस स्पिरिट से पुकारूंगा मैं तुम्हें,
Nandini! Nandini! मेरी आवाज पहचानोगी ना तुम? पहचानोगी ना मेरी आवाज? तुम जरूर पहचानोगी मेरी आवाज। हे कमॉन कमॉन, एक हाथ चुनो, कमॉन कमॉन हाथ चुनो। मैं हमेशा से जानता था कि समीर तुम्हारा होगा। अगर तुम ये हाथ भी चुनती ना तब भी समीर तुम्हारा होता। लेकिन एक बात कहूं, कुछ नहीं। याद भी नहीं मैं क्या क्या कह रहा था, शायद कुछ ज्यादा ही कह गया। कुछ नहीं कह रहे थे आप। कभी कभी इंसान कुछ नहीं कहकर भी सब कुछ कह देता है। नंदनी, जो कुछ मैं कल कह रहा था वो सच नहीं। कल झूठ बोल रहे थे कि आप सच पर पर्दा डाल रहे हो। चाहने और हासिल करने में बहुत फर्क है। प्यार सिर्फ हासिल करना नहीं, प्यार देने का नाम है। प्यार, प्यार। अब शायद मैं भी समझने लगी हूं कि प्यार क्या होता है। हेलो। जी। मैं समीर की माँ बोल रही हूँ। समीर का पता चल गया? हाँ बेटा, पता चल गया। आज शाम को समीर का शो है ओपरा थिएटर में। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। वो मुझे लेने आ रहा है। मैंने उसे नंदनी के आने के बारे में कुछ नहीं बताया। अब मिलूंगी ना, सब कुछ बता दूंगी। इट्स अ सरप्राइज। ओ मेरा बेटा बहुत खुश होगा। सुनो, तुम नंदनी को लेकर वहाँ पहुँच जाना। शो से पहले ही हम इन दोनों को मिलवा देंगे। देखो लेट मत होना, ओपरा थिएटर याद रखना। जी, हम ओपेरा थिएटर जरूर पहुंच जाएंगे। लव यू बेटा, बाय बाय। यस।
करे सितम तुझ पे मिटेंगे हम तेरी कसम कर रहा है चलो 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 चलो
मैं जानता था तुम जरूर आओगी बिकॉज माई बाबा इज मोर पावरफुल देन योर बाबा और मेरे बाबा ने कहा था कि नंदिनी इटली जरूर आएगी और नंदिनी इटली आ गई. आओ मैं सीरी से नहीं चाह रहा हूं. You are here. मैंने तुमसे कहा था ना तितली यू आर कमिंग टू इटली और तुम तारों से लड़ झगड़ कर उन्हें नोच कर तुमने अपनी तकदीर बदल दी. I miss you so much. So much. I love you. और आज का शो इट्स गोना बी फैंटास्टिक. हर शो के बाद यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है जो कुछ इंडियंस ने बनाया है. वहां जाएंगे और देवी माँ और मेरी माँ के सामने we'll get married. Now we live happily ever after. क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कह दिया? तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो? मेरी आंखों में देखो नंदिनी. ओह माय गॉड, जो प्यार मुझे तुम्हारी आंखों में दिखाई देता था आज वो प्यार नहीं है. तुम बदल गई हो. हाँ, मैं बदल गई हूं. हालात भी बदल गए हैं. तुमने मुझे बहुत प्यार दिया समीर. उसी प्यार की खातिर मैं सात समंदर पार करके आई थी. मगर अब तुम्हारे मेरे बीच के सात कदम मैं पार नहीं कर सकती. तुमने मुझे प्यार करना सिखाया समीर. मगर प्यार निभाना मैंने अपने पति से सीखा है. समीर, मेरी शादी हो चुकी है. बाबा को दिया वचन निभाकर तुमने अपना फर्ज निभाया. पर जानते हो, शादी के बाद जब मेरे पति जान गए कि मेरी असली खुशी तुम्हारे साथ है, उन्होंने क्या किया? दुनिया की परवाह किए बगैर अपनी खुशी के बारे में न सोचते हुए मुझे यहां लेकर आए तुमसे मिलवाने. शादी की वो कसम निभाने कि वो मुझे मेरी हर खुशी देंगे. तभी मुझे एहसास हुआ कि कुर्बानी ही सच्चे प्यार का आधार है. अब मुझे मेरा फर्ज निभाना है और मुझे उन्हीं के पास जाना होगा. हो सके तो मुझे माफ कर दो. मुझे इजाजत दो समीर. मुझे इजाजत दो. दीदी जा, इजाजत दीदी. लेकिन क्या मैं उसे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, नहीं है. लेकिन बस मैं देखना चाहता हूं कि वो कौन खुश नसीब है. वनराज. हाँ, अभी मिल चुका मैं उसे. बहुत सिंपल सा आदमी है. इज अ वेरी गुड मैन. मैंने उसे गाना भी सिखाया, ढोली तारो. बहुत बुरा गाता है ना, बहुत बुरा गाता है. लेकिन तुमसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है तुमसे. हम दोनों ने तुम्हारे लिए दुआ भी मांगी और मैंने उसकी बात डायरेक्टली बाबा से करा दी. और मैंने बाबा को बोला कि इसे जो भी चाहिए आप इसे दे दो मेरे खाते में. और वैसे बाबा तो मेरी कभी बात मानते हैं नहीं, लेकिन इस बार फट से मान ली. आप रुको, मैं आपसे बाद में बात करता हूं. लोग कहते हैं ना कि उसने उसके लिए सात समुद्र पार किया, लेकिन आजकल के जेठेज में क्या है, प्लेन में बैठो सात समुद्र पार सात घंटों में. लेकिन अभी तुम्हें उसके साथ सात जन्म निभाने. जो सात मिनट तुमने मेरे साथ बिताए वो मेरे लिए सात जन्मों के लिए काफी मेरे लिए, लेकिन उससे ज्यादा नहीं. क्योंकि आठवें जन्म में तुम मेरी होगी, सिर्फ मेरी. एंड एट दैट टाइम नो वनराज प्लीज. और नंदू, तुम मुझे इस तरह मत देखो क्योंकि तुम्हें मुझसे फिर से प्यार हो जाएगा. जाओ जाओ जाओ, क्योंकि मैं रोता हूं, बहुत बुरा दिखता हूं.
चली गई। अब आप मेरी बात सुनो, बचपन से लेके आज तक मैं आपसे बात करते आया हूं, सब लोगों ने मुझसे कहा कि समीर तेरे पापा मर गए, तेरे पापा मर गए, लेकिन मैंने आपको जिंदा रखा यहां पे। कुछ नहीं मांगा, सिर्फ नंदनी चली गई। चलो उस पे वरना कहा के शादी की, लेकिन मेरा बेक हक बनता है, आज इनकार मत करना। मैं आपसे एक चीज मांगता हूं, एक बार मुझे गले लगा लो पापा, प्लीज। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं मां, ऐसे ही बाबा से बात कर रहा था। खुदा मैं बोल रहा था कि बड़े ये चले गए, उसके बाद तब जब तुम चली जाओगी तो मुझे भी ऊपर बुला ले, नहीं रहना मुझे इटली बिटली में, नहीं रहना मुझे इटली बिटली में, नहीं बनना मुझे स्टार। जिस्म मुझे दे के मिट्टी का, शीशे सा दिल तू बनाया, और उस पे दिया फितरत के वो करता है मोहब्बत। बाहरे बा तेरी कुदरत, बाहरे बा तेरी कुदरत, उस पे दे दिया किस्मत। कभी है मिलन कभी फुरकत, कभी है मिलन कभी फुरकत, है यही क्या वो मोहब्बत। बाहरे बा तेरी कुदरत, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया। तो लुट गए हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत। एक बात कहूँ क्या? जाना जरूरी है। मैं एक बात कहूं क्या? तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। तो फिर एक हाथ छू, ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।